नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं लेबर कमिश्नर ऑफिस के बाहर दिल्ली में, जहां पर आज दिल्ली के जितने भी जॉइंट सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं और उनके साथ जो और भी मजदूर संगठन हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और उत्तर भारत में लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और हीट वेव की घटनाएँ आ रही हैं, उस दौरान लगातार मजदूरों की जिस तरह से दुर्घटनाओं में मौत हो रही है, इन सवालों को लेकर लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि दिल्ली के अंदर पिछले दिनों सरकार और प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें 12 से लेकर 4 के बीच में खुले में काम ना कराने का बात कही गई थी और जो इस तरह की साइट्स हैं वहाँ उचित व्यवस्था करने की बात कही गई, लेकिन उसका पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ख़ास तौर पर इसके अलावा दिल्ली में पिछले दिनों में कई बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसमें मजदूरों की जलकर मौत हुई है। उसमें बड़ा मामला शॉर्ट सर्किट से हो रहा है या आग लगने की अलग अलग तरह की घटनाएँ हो रही हैं। इन सब में जो मुआवजा ना मिलना और सरकार की तरफ से लेबर कमिश्नर और लेबर इंस्पेक्टर जो ठीक से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन था। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल ट्रेड यूनियन के नेता हैं और इसमें शामिल अन्य मजदूरों से मैंने बात की, समझने का प्रयास किया जो उनका क्या मांग है और इससे आगे का रास्ता वो लोग कैसे देखते हैं। आज मेरे आने का यहाँ पे कारण ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से दो नोटिफिकेशन निकाले गए थे कि जो मजदूर है, ख़ास तौर पे जो बाहर काम कर रहे हैं, 12 से 3 बजे तक में जब टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दिल्ली में कितना परिवर्तन हुआ है तापमान के अंदर, जहाँ पर मैक्सिमम 49 डिग्री सेल्सियस पहुँचा है, तो उस समय पर कैसे मजदूर काम ना करें। और यदि जो भी कार्यस्थल पर जा रहा है मजदूर काम करने के लिए, वहाँ पर उनके लिए उचित पानी का व्यवस्था करें या उनके लिए शौचालय, साफ़ शौचालय की व्यवस्था की जाए, ORS या एनर्जिल पाउडर्स की व्यवस्था करी जाए, इन सब चीज़ों को थोड़ा देखा जाए। लेकिन नोटिफिकेशन निकालने के बाद और वो लेबर विभाग में देने के बाद जब हम प्रैक्टिकली, क्योंकि हम तो कामगारों के साथ में काम कर रहे हैं, जब हम जा करके देख रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि जो 12 से 3 का समय है उसी समय पर मजदूर काम कर रहे हैं, कोई अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो व्यक्तिगत किसी का काम कर रहा है, वो सड़क बनाने में जो सरकारी मतलब जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें भी वो काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है, तो कहाँ वो उस नोटिफिकेशन की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं और उसकी ज़िम्मेदारी किसकी। अगर हमारा लेबर डिपार्टमेंट या विभाग थोड़ा सख्ती से कार्यवाही करेगा तो जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें कम होंगी। हीट वेव का जो एडवाइजरी हुआ, एडवाइजरी में किसी तरीके का नोडल ऑफिसर या कोई कंप्लेंट मैकेनिज्म तो था नहीं है? अब कोई किसी तरह का वायलेशन हो रहा है तो कोई आदमी कहाँ पे फ़ोन करेगा या किसको कांटेक्ट करेगा? तो ये तो कहीं पे तो अपने आप में जो एडवाइजरी है ये बस लिप सर्विस था। ट्रेड यूनियनों के दबाव में उन्होंने एक एडवाइजरी निकाल दिया, लेकिन कोई उस पर एक्शन होने का कोई मैकेनिज्म उन्होंने नहीं दिया, तो ये बिल्कुल ही इनका ये लापरवाही ये शो करता है। लंबे समय से ट्रेड यूनियनों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि दिल्ली के अंदर जो तमाम कारखाने हैं, जो तमाम वर्क प्लेस हैं, जो गोदाम है जहां आग लगने की घटनाएं होती हैं, उस पर रोकथाम लगाने के लिए श्रम विभाग कुछ करे। मगर हमने देखा है कि अगर केवल 2024 की बात करें तो 2 दर्जन से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, चाहे हाल फिलहाल की नरेला की घटना हो, इससे पहले जो अलीपुर में घटना हुई, सभी घटनाओं में एक ही पैटर्न हम देखते हैं कि किसी भी कारखाने के अंदर किसी भी श्रम कानून को माना नहीं जाता है। 12-12 घंटे काम करवाया जाता है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता, मजदूर यूनियन नहीं बना सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर वो श्रमायुक्त के पास आए, आवेदन लगाएं, तो श्रम विभाग से कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बहुत ही उदासीन रवैया है, और सिर्फ उदासीन रवैये की बात नहीं, दिल्ली के श्रम विभाग का ऑडिट जब CAG द्वारा 2016-17 में किया गया तो ये बात साफ देखी गई कि जो तमाम फैक्ट्रियाँ जिनको फैक्ट्री लाइसेंस मिल रहा था श्रम विभाग के द्वारा, जो फैक्ट्री डायरेक्टरेट थे उनके द्वारा, उसमें 95-96% से ऊपर फैक्ट्रियाँ ऐसी थी जिनके पास सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी नहीं थी, उसके बावजूद उनको फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस दिया गया। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि आग लगने के बाद जो कैजुअल्टी जो रिपोर्टेड होती है उसे कहीं ज़्यादा निकलता है। मुंडका की घटना में हम देखा कि जो FSL की रिपोर्ट आई उसमें जो रिपोर्टेड कैजुअल्टी थी उससे ज़्यादा DNA मिला, यानी कि उससे ज़्यादा कैजुअल्टी थी। ये बात ट्रेड यूनियन लंबे समय से कहती हैं कि जो कैजुअल्टी है उसको अंडर रिपोर्ट किया जाता है और जो रिपोर्टेड कैजुअल्टीज है उसमें भी श्रम विभाग के द्वारा जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो एक बहुत ही उदासीन रवैया बनाया हुआ है। अब कितनी मतलब शर्मनाक बात है कि दिल्ली राजधानी के अंदर पिछले 24 घंटे में 7 से 8 मजदूर हीट वेव से मर गए, कोई उसमें अधिकारी तो नहीं मरा,
कोई लेबर कमिश्नर तो नहीं मरा, कोई फैक्ट्री का मालिक तो नहीं मरा, मजदूर मरते हैं ना। और उन मजदूरों के लिए आप खाना पूर्ति करके एडवाइजरी जारी करके अगर हाथ बंद कर लेंगे तो कैसे ये चलेगा? आज यही गुस्सा लगातार, दूसरी बात है कि लगातार दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएँ हो रही हैं, और आग लगने की घटनाएं चाहे वो अलीपुर हो, नरेला हो, उद्योग नगर हो, बवाना हो, सब जगह मतलब आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। और बार बार संज्ञान में आने के बावजूद दिल्ली का श्रम विभाग, दिल्ली का कारखाना इंस्पेक्टर, दिल्ली के जिला लेबर अधिकारी मतलब कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जिससे आग लगने की घटनाओं को रोका जा सके। बेसिकली यहाँ पे मामला है कि पूरी तरह से जो सिस्टम है कोलैप्स हो चुका है श्रम विभाग का। वर्कर्स यहाँ जल रहे हैं, उन पे कोई भी मुआवजा देने का, बचाव का, किसी भी तरीके कोई मशीनरी काम नहीं कर रहा है। आपको वर्कर को ना आइडेंटिफाई कैसे होंगे, वर्कर्स को मुआवजा कैसे मिलेगा, कैसे अगली बार से कैसे फैक्ट्री में रोक लगेगी, इस पे कोई भी जो महकमा है महकमा किसी भी तरीके से काम नहीं करना चाहता है। हमारा मानना यह है कि हम इकट्ठे हुए हम अपनी आवाज़ को यहाँ पहुँचाएंगे और आज हम मांग करेंगे कि कैसे इन मुद्दों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की। जैसे कि आपने इन बातचीत में सुना जो ट्रेड यूनियंस और इनके लोग कह रहे हैं, जो इन्होंने एक मांग पत्र सौंपा है, मांग पत्र के दौरान लेबर कमिश्नर ने इनसे आश्वासन किया है जो अब से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उनका कहना है अगर ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इससे बड़ी तादाद में ट्रेड यूनियंस बड़ा प्रदर्शन करेंगे और सरकार का और इन अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह की मौतें दुर्घटना जिस तरह मजदूरों की मौत हो रही है, इस तरह की घटना ना हो, इस पर रोक लगे, क्योंकि ये एक तरह की अमानवीय स्थिति में राजधानी मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ लगातार इस तरह की दुर्घटना हो रही है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।